सर्दियों का मौसम हो और गर्मा गर्म सरसों का साग ना खाया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो है सरसों का साग, मक्के की रोटी, गुड़ और मक्खन के साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त शोमा और आप देख रहे हैं शोमा एंड सन्स। सरसों का साग बनाने के लिए सरसों का साग लिया है, उसमें मेथी मिलाई है और साथ में पालक मिलाई है और सबको काट के उबालने के लिए रख दिया है। 2-3 प्रेशर तक उबालेंगे। तो जब तक साग उबल रहा है तब तक अपना मक्के का आटा तैयार करके रख लेते हैं रोटियों के लिए। तो मक्के का आटा, मेरी फैमिली 4 लोग की है उस हिसाब से मैंने लिया है। थोड़ा सा आटा मैंने अलग निकाल दिया है जिस क्योंकि ये साग में जाएगा, तो 2 चम्मच के करीब मैंने निकाल दिया है। तो इस जो आटा है ये आटे में कुछ चीज़ें जाएंगी। सबसे पहले मैंने डाला है इसमें हल्दी, हल्दी से इसका कलर काफ़ी अच्छा हो जाता है। फिर धनिया का पाउडर डाला है जिसमें सौंधापन आता है। थोड़ी सी अजवाइन हाथ में घिस के मैंने डाली है। साथ में फुल क्रीम दूध और मलाई के साथ मैंने इसको साना है। मलाई थोड़ा ऑप्शनल है एक्चुअली, इससे इसमें काफ़ी क्रिस्पीपन आ जाता है रोटियों में, तो इसलिए मैंने डाला है। आप अगर नहीं डालना चाहते तो नहीं भी डालिए। साथ में मैंने डाला है सॉल्ट, मलाई की जगह ऑयल डालना चाहे तो ऑयल डाल सकते हैं। इसको मैंने ल्यूक वार्म वाटर से साना है, यानी कि बहुत ही हल्के गुनगुने पानी के साथ, बहुत ही नरम सानना है, कड़ा नहीं सानना है, क्योंकि ये पानी सोख लेता है। तो जब रोटियां बनाएंगे तो अपने हिसाब से इसको पानी मिला के ढीला करते जाएंगे, तभी अच्छी गोल रोटियाँ बनेंगी। तो सानने के बाद मैंने इसको गीले कपड़े से ढक के थोड़ी देर के लिए रख दिया है। इधर देखिए मेरा साग ऑलमोस्ट बॉयल होकर रेडी है और अब इसको अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में डाल के। साथ में मुझे चाहिए 3 बड़े प्याज जिनको मैं बारीक चॉप कर लूँगी। प्याज को पीसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सरसों का साग बनाने के लिए सरसों का ही तेल लिया है, यानी मस्टर्ड ऑयल लिया है एक पैन में। उसमें डाला है जीरा, मैंने हरी मिर्च डाली है, आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं खड़ी वाली। फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं, प्याज को हल्का पिंक होने तक फ्राई करेंगे। और अब इसमें मैंने थोड़े से अदरक डाल दिए हैं ग्रेट करके। तो अदरक का टेस्ट साग में बहुत ही अच्छा आता है अगर आप ग्रेट करके डालिए। फिर इसके बाद मैंने इसमें जो मैंने मक्के का आटा रखा था वो मक्के का आटा मैंने इसमें डाल दिया है। मक्के के आटे को थोड़ा सा भूनना है। तो मक्के का आटा अच्छे से भुन गया है और अब इसमें हम लोग अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैंने हल्दी इसमें डालनी है थोड़ी सी, और थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा पिसा हुआ धनिया मैं इसमें डालूंगी, थोड़ा सा मेरे पास ये मीट मसाला है मैं हल्का सा डालूंगी, और कसूरी मेथी डालूंगी और साथ में नमक। तो आप सोचेंगे कसूरी मेथी क्यों डालना, ऑलरेडी इसमें मेथी पड़ेगी, पर कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। साग के संग कसूरी मेथी बहुत अच्छी लगती है, किसी भी साग में अगर आप डालिए तो उसका टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है। तो अब सारे मसाले भी मुझे लगता है कि अच्छे से भुन गए हैं। फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर को भी मैंने थोड़ा छोटा ही चॉप किया है और इसको थोड़ा सॉफ्ट होने तक हम लोग इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो साग खाते हैं उसमें टमाटर बहुत गले हुए नहीं पसंद करते, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं गलाऊंगी। ये अपनी चॉइस के ऊपर है कि कैसे आप रखना चाहते हैं, वैसे आप रख सकते हैं। तो साथ मैंने थोड़ा नमक डाला इसमें टेस्ट के हिसाब से, और जो साग की प्योरी बना के रखी थी वो भी डाल दी है। तो और अब इसको हमको मिक्स करना है और इसको बहुत अच्छे से भूनना है, क्योंकि साग जितना ज़्यादा उबलता है भुनता है उतना ही वो टेस्टी हो जाता है, ऐसा मैंने देखा है। तो इसको एक तरफ चढ़ा देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे, और कंसिस्टेंसी यही इतनी ही रखेंगे, बहुत ना पतला करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, तो इस कंसिस्टेंसी का ही रखेंगे। और साथ में बनाते हैं रोटियां। तो ये देखिए मेरा आटा काफ़ी अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट सा, अभी काफ़ी सूखा है। इसमें जब हमको रोटी बनानी होगी तो थोड़ा पानी मिला मिला के हमको इसको बनाना पड़ेगा। ये देखिए अगर इसकी रोटियाँ बनाएंगे ना तो ठीक नहीं बनेगी। इसमें पानी मिला के इसको सॉफ्ट करेंगे और फिर इसके बाद इसकी हाथों से ऐसे दबा दबा के रोटियां बनाएंगे।
मुझे हाथ से ही बनाना अच्छा लगता है, मैं हाथ से ही बना लेती हूँ उसकी रोटियाँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि शुरू में एक या दो रोटी उतनी अच्छी नहीं बनती है, दो तीन रोटी के बाद अच्छी गोल परफेक्ट रोटी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे देखिए कि मैंने तीन चार रोटियाँ बना ली हैं और ये थोड़ी टूटी टूटी बन रही है, लेकिन अब जो रोटी बनी है वो एकदम परफेक्ट गोल रोटी बनी है। तो इसलिए आटे को थोड़ा सा गीला करेंगे तो काफ़ी अच्छी सी रोटियाँ बनके तैयार हो जाएंगी। तो इधर ये देखिए मेरा साग भी अच्छा खासा रेडी हो गया है, गाढ़ा हो गया है, और इधर मेरी रोटियाँ भी बनके तैयार हो गई हैं। और रोटियों में देखिए काफ़ी अच्छा क्रिस्पी आया है, ऊपर से जो लेयर है ये मलाई की वजह से होता है, ऊपर की जो लेयर है वो काफ़ी क्रिस्पी सी हो गई है, और हमारे यहाँ सब लोग ऐसे ही पसंद करते हैं। तो चलिए प्लेट लगाते हैं फटाफट। सरसों के साग का जो कॉम्बिनेशन होता है, सरसों का साग मक्के की रोटी, इसको खाने में अच्छा लगता है गुड़ के साथ में। थोड़ा सा गुड़ और साग के ऊपर थोड़ा डालिए मक्खन, अगर होममेड मक्खन होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर अभी मैं घर वाला नहीं बाहर वाला मक्खन डाल रही हूँ। तो और गुड़ के ऊपर भी थोड़ा सा मक्खन डालिए ना तो वो भी अच्छा लगता है। तो ये लीजिए मेरा प्लेट रेडी है और इस अब चलिए इसको एंजॉय करते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि ये डिश आपको कैसी लगी। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये बहुत ही इजी वे है सरसों का साग बनाने का, और ये साग बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनके तैयार हुआ था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठंड के मौसम में इसका मज़ा डबल हो जाता है। ट्राई करके मुझे कॉमेंट में बताइएगा।